बात करते हैं रीवा की, जहां नगर निगम वार्ड क्रमांक 4 रीवा विधानसभा क्षेत्र के खैरी विंध्य बिहार बस्ती अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहां बस्ती में 4 माह से बिजली नहीं है। अंधेरे में बस्ती के लोग गुजर बसर कर रहे हैं और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। रीवा भारतीय किसान यूनियन के किसान सुब्रत ने इनके मुद्दों को उठाते हुए कहा कि रीवा के जनप्रतिनिधियों, मध्य प्रदेश सरकार एवं जिला शासन के समक्ष रीवा शहर की गंदी बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यहाँ के रहवासियों को उनके नाम के साथ जुड़ा गंदी बस्ती शब्द हटाया जा सके और इसके लिए जितना प्रयास उनसे बन सकेगा वो करेंगे। जिला प्रशासन नगर निगम आयुक्त से उन्होंने मांग की कि बस्ती के लोगों की समस्याओं का तत्काल समुचित समाधान किया जाए। आपको बता दें कि रीवा शहर में 104 ऐसी बस्तियां हैं जो कि शहर के विकास को आईना दिखाती हैं। यहां चुनाव के समय में जनप्रतिनिधि सिर्फ आश्वासन देने के लिए पहुंचते हैं। शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी में स्थित खैरी विंध्य बिहार बस्ती के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पीने के लिए पानी भी मात्र दिन भर में एक बार सप्लाई किया जाता है। वहीं मुक्ति धाम जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। शहर के चौराहा वितरण केंद्र के अधिकारियों की मनमानी के कारण यहां के लोगों को ना तो रहने के लिए घर है और ना ही समुचित बिजली उपलब्ध हो पाती है। नाली और सड़क या फिर प्रधानमंत्री आवास की तो कोई बात ही ना करे। यहाँ के अधिकांश लोग टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर है। बिगड़े हैंडपंप सालों से हवा खा रहे हैं। बदहाली का आलम देखते हुए किसान नेता सुब्रत ने बस्ती के लोगों के लिए आवाज उठाई है। आइए आपको सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़। वाह साबा, आ ये जो बरे ओरे के हुआ नया बा, ना नाली आए, ना पानी का सुविधा, ना लाइट का सुविधा, का ओकर सुविधा नहीं। आज हम आन के टट्टी लड़का जाते काल बंद कई ली तो का करब लाला है, हमें काहू को सुविधा नहीं आए। अपना पचे नगर निगम है? हाँ, पचे नगर निगम 4 नंबर वार्ड। ये 4 नंबर वार्ड है? 4 नंबर वार्ड। टैक्स दे ही थे घर इनके? अबे टैक्स लगा था लेकिन अबे नहीं दे रहे हैं। अबे नहीं दे रहे हैं लाला, कट्ठा टैक्स मांग रहे हैं, कहाँ मालूम। अबे कट्ठा मांग रहे हैं तो कहाँ पा बोला श्याम लाल कोल के 10,000 आबा है, बताइए हमारा कहाँ पाई लाइट ही तो काटी ही। बिजली ऑफिस में गान ता कहन के हम आई पैसा जमा करा तब लाइट जोड़ महीना जोड़ब हम। अब 50,000 बिल कहाँ पाई। एक एक कनेक्शन है, एक बल्ब जला रहा ना कोनो ज्यादा ना होए थे ना, टीवी चले ना कुछ चले, तो खाली एक ठे बल्ब कया ते एक ठे बल्ब कता सरकारो माफ गरीबन का देत है। हमें पचका है तो कुछ नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है कि रीवा का विकास होता रहा, रीवा नगर महानगर बनने जा रहा है, 104 गंदी बस्तियां हो गई। हमने सोचा है कि आपको हर गंदी बस्तियां, जितनी गंदी बस्तियों का नाम दिया है, उन बस्ती में जाना है हमें और देखना है कि वहां के बस्ती के लोगों को आखिर क्या सुविधाएं मिल रही हैं। आज हम आए हैं जमुना बिहार बस्ती खैरी, जहाँ यहाँ पे हमने आज देखा यहाँ पे दो दो हैंडपंप हैं, वो हैंडपंप बिगड़े हुए हैं। यहाँ 4 माह से बिजली कटी हुई है। सोच सकते हैं 4 माह से 100-150 लोगों की आबादी वाली बस्ती, लोग घरों में अंधेरे में रहते हैं क्योंकि 4 महीने से यहाँ की बिजली काट दी गई है। एक एक घर में एक बल्ब जलता है लेकिन 20,000, 25,000, 10,000 रुपए इन लोगों के बिजली के बिल आए हैं। सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए मुफ्त में बिजली देते हैं, इतनी यूनिट फ्री देती हैं, कहाँ है आपकी इस योजनाएं, समझ से परे है। यहाँ ना किसी का वृद्धावस्था पेंशन बनी है, ना किसी को प्रधानमंत्री आवास के तहत अभी भी मकान नहीं बने हैं। फॉर्म भराए गए हैं, नगर निगम में फॉर्म जमा भी हैं कुछ लोगों के, और उन लोगों को आज तक सुविधा नहीं मिली है। यहाँ चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद 5 साल कोई आने वाला तो है नहीं और कोई समस्या देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी चीज कहा जा रहा है स्वच्छ रीवा और खुले में शौच से मुक्त रीवा। आप सोच सकते हैं इस बस्ती में 150 से 150 लोग रहते हैं। हमारी माताएं बहनें बेचारे खुले में शौच के लिए जाती हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय से और रीवा जिले के सभी जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि एक बार आप इस बस्ती में आइए। वोट के लिए तो आना होता ही है, एक बार रीवा शहर में जितनी 104 गंदी बस्तियां हैं उनको एक बार भ्रमण कर लीजिए, उनको मूलभूत सुविधाएं दीजिए। वोटर तो है ही हैं, वोट तो देंगे ही, लेकिन उनके जीवन में कुछ
बदलाव आए। यहाँ पे दो हैंडपंप है, दोनों हैंडपंप बिगड़े हैं। पानी की सप्लाई मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए आती है, लोग पानी के लिए परेशान होते हैं। अधिकतर लोग यहाँ मजदूरी करने वाले लोग रहते हैं, सुबह मजदूरी करने के लिए निकल जाते हैं, शाम को घर आते हैं और उनके बच्चे और घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? क्या यही विकास है? हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से पुनः मांग करते हैं कि हमारी खैरा जमुना बस्ती को मूलभूत सुविधाएं दी जाए, यहाँ नाली बनाई जाए, यहाँ की टूटी फूटी रोडों को व्यवस्थित किया जाए, यहाँ बिजली के लटकते तारों को सही किया जाए और जो बिजली 4 महीने से यहाँ लोग अधेले में रह रहे हैं उनके बिजली के समस्याओं का बिल का निराकरण करके बिजली की सप्लाई तत्काल शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ अधेले में लोग आखिर कब तक रहेंगे।